Hello everyone, I am Dr. Arvind Kumar and today our topic of discussion will be hormone imbalance in men. So first let's understand what are hormones. Hormones chemicals हैं जो हमारी body के metabolism को, sexual health को, mood को, इन सब को control करते हैं. तो related to men, what are those important hormones? तो वो important hormones हैं testosterone, कॉर्टिसोल दैट इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन और थायरॉयड हार्मोन. ये जो हार्मोन्स हैं थायरॉयड के थायरॉयड ग्लैंड से निकलते हैं, इनको कंट्रोल करता है ब्रेन से पिट्यूटरी हार्मोन, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो कि फर्टिलिटी को, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और एड्रिनल किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो स्टीरॉयड हार्मोन निकलता है जिससे कि मसल ग्रोथ होती है, बीपी कंट्रोल होता है और एक एनर्जी लेवल्स आते हैं. तो अब इन हार्मोन इम्बैलेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप कोरिलेट करिए क्या आपको ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं. जैसे कि अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, फर्टिलिटी कम होती है और एक ओवरऑल लो एनर्जी लेवल्स रहते हैं. अगर हाई ईस्ट्रोजन है, हाई फीमेल हार्मोन्स है मेल बॉडी में, तो चेस्ट के एरिया पे फैट इंक्रीज हो जाता है जिससे हम कहते हैं मेल ब्रेस्ट ग्रो हो रही है. अगर कॉर्टिसोल लेवल्स लो है, स्टेरॉयड हार्मोन लो है, तो इससे ओवरऑल एनर्जी लो रहेगी, जल्दी थकावट हो जाएगी. जैसे शाम को थकावट सी रहती है, मसल्स लगता है कि वीक हो रही हैं, पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं और ओवरऑल हेडेक रहता है, ये फीलिंग वीकनेस की हमेशा परसिस्ट करती है. और अगर थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस है, थायराइड हार्मोन दोनों तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, हाई लेवल भी हो सकता है थायराइड हार्मोन का जिसे हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, उसमें क्या होगा कि अनइंटेंशनल वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आइज बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और हमेशा हार्ट बीट फास्ट महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. लो थायराइड हार्मोन से बॉडी फूल जाती है, थोड़ा सा वेट गेन होता है और सुस्ती लगी रहती है. तो ये सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना है, इग्नोर नहीं करना है. और अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इनको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को आपने तुरंत दिखाना है. कोई भी इनमें से आपको सिम्टम लगता है उसे इग्नोर मत करिए कि वो आपके वर्क शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है, आपकी थकावट एक नॉन स्पेसिफिक थकावट है, हो सकता है कि वो हार्मोन इम्बैलेंस हो. तो फिजिशियन आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे और वो टेस्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में, प्रोलैक्टिन लेवल बॉडी के अंदर, ईस्ट्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन का लेवल और थायरॉयड हार्मोन का लेवल. और इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक तरीका होता है इन हार्मोन्स को डायग्नोस कराने का, ब्लड सैंपल लेने का, जो कि आपके डॉक्टर आपको एप्रोप्रिएटली गाइड करेंगे कि आपको सैंपल खाली पेट करना है, सुबह करना है. और कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं नॉर्मली भी, तो उनका हमें एवरेज लेवल लेना होता है, उनके 3 सैंपल्स लेने होते हैं और फिर उनका एवरेज कराना होता है. तो इसीलिए अपने आप टेस्ट मत करिए, हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू ये टेस्ट आप प्रिस्क्राइब करवाइए. अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम निकलती है और अर्ली स्टेज में निकलती है, वो ट्रीटेबल है. हार्मोन इम्बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो ट्रीट हो सकती है, उसे डिले मत करिए, उसे इग्नोर मत करिए. जैसे कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो आ रहा है तो लो आने का लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कम होना भी है और एड्रिनल और टेस्टिस से हार्मोन कम निकलना भी है, तो उसके अप्रोप्रिएटली आपको हार्मोन्स शुरू किए जाते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन देना है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको शुरू करना है. अगर स्टेरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, अगेन देखा जाएगा कि वो ब्रेन के लेवल पे है या एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन का रिप्लेसमेंट किया जाता है. और अगर थायरॉयड हार्मोन ओवर एक्टिव है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी होती है, रेडियो आयोडीन भी होता है, और अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो सर्जरी भी एडवाइजेबल रहती है. और अगर थायराइड हार्मोन लो है तो थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है. तो समरी में, अगर आपको कभी भी कोई सिम्टम्स लगे, फटीग, वीकनेस, वेट लॉस होना या फिर फर्टिलिटी कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिड्यूस होना, तो
तुरंत अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए और डॉक्टर आपको एप्रोप्रिएट टेस्ट गाइड करेगा और उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।